शेयर बाजार में बहुत कम ही ऐसे शेयर हैं जिन पे कि हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं उनके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, जैसे कि HDFC बैंक हुआ, एशियन पेंट हुआ। इन्होंने पिछले कई सालों से इन्वेस्टर को बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए हैं, चाहे वो कैसा भी मार्केट का कंडीशन रहा हो। अगर हम एशियन पेंट को अभी देखें, गिरते हुए मार्केट में भी ये स्टॉक कितनी मजबूती के साथ खड़ा है और ना ही इसमें गिरावट ज़्यादा आई है। साथ के साथ जिस तरीके से क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हुए हैं, इस कंपनी को बेनिफिट होता दिख रहा है, क्योंकि पेंट का जो रॉ मटेरियल होता है वो बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल से निकलता है। तो क्रूड ऑयल की कीमत जिस तरीके से कम हुई है, इस कंपनी को और भी ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो चलिए इस स्टॉक के बारे में देखते हैं, कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी का बिजनेस क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से कंपनी स्टार्ट हुई, कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखेंगे जिसमें कि रिवेन्यू, नेट प्रॉफिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। साथ के साथ हम डिविडेंड देखेंगे कंपनी ने कितना दिया है, शेयर होल्डिंग पैटर्न, सो बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे। कि 10,000 अगर आपने 2000 में इन्वेस्ट किया तो अभी 9 लाख रुपए के बराबर है, तो 90 गुना का रिटर्न दिया है इसने कंपनी ने। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कंपनी पिछले 10 सालों में किस तरीके से इसका स्टॉक प्राइस मूवमेंट दिखाया है। एशियन पेंट के करंट मार्केट प्राइस को देखें तो अभी ये 1824 में ट्रेड कर रहा है। एक महीने पहले फरवरी में देखें तो ये 1800-1900 के करीब था। फिर जैसे ही COVID-19 का क्रैश हुआ, मार्केट में 30% की गिरावट हुई, तो ये भी स्टॉक आप देखें तो 1400 के करीब आ गया था। लेकिन फिर से इस स्टॉक में डिमांड बढ़ गई, क्योंकि ये स्टॉक ही इतना भरोसेमंद है कि थोड़ा सा भी स्टॉक प्राइस गिरता है, लोग इन्वेस्टर्स इसको खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। पीछे चलते हैं, पिछले 2008 में कितना था और अभी कितना है। यहाँ पे अगर हम बैक में जाएं 2017 में देखें तो इसका एक स्टॉक का प्राइस था 800 रुपये, और 2016 में 1200 रुपये। 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था और रेरा भी आया था साथ के साथ, तो ये दोनों जो इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का, रियल इस्टेट के लिए बहुत बड़ा एक झटका था। क्योंकि देखिए, जो पेंट इंडस्ट्री का डिमांड है, अगर ज़्यादा बिल्डिंग्स बनेंगे तो पेंट मटेरियल का जो कंजम्पशन होगा वो ज़्यादा होगा, तो इसकी वजह से देखिए इसके स्टॉक प्राइस अचानक से गिरे थे। बट जैसे ही गिरता है आप देखिए फिर से ये वापस आ गया था। 2017 से पीछे चलते हैं, अब देखते हैं 2015 में इसका स्टॉक प्राइस था 800 रुपये, फिर 2013 में देखें तो 400 रुपये, और फिर 2012-11 एंड नाउ 2008 में देखते हैं, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस यानी पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी नहीं थी, तो इसका स्टॉक प्राइस देखें तो 130 रुपये के करीब था। लेकिन जैसे ही ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, पूरी दुनिया भर के स्टॉक प्राइसेस में क्रैश हुए, तो इसका भी स्टॉक प्राइस देखिए 50% के करीब गिरा था। 130 रुपये से गिर के आप देखिए तो 70 रुपये के आसपास आ गया था। वो तब का टाइम था जब पूरा स्टॉक मार्केट 50-60% गिरा था। तो आप देखिए 2009 में ये 70 रुपये के करीब था। आप इमेजिन कीजिए 70 रुपये से 700 रुपये, यानी 10 गुना हुआ, 700 का भी डबल, 1400 रुपये, 1800 रुपये, तो 20 से 25 टाइम हो चुका है अपना स्टॉक प्राइस इन लास्ट 10 ईयर्स में। आगे हम इस वीडियो में देखेंगे कि जब स्टॉक प्राइस इतना हुआ है तो 2008 में ये कंपनी कितना प्रॉफिट बनाती थी, 2020 में कितना प्रॉफिट बना रही है। 2008 में स्टॉक प्राइस तो हमने देख ही लिया, साथ के साथ हम देखेंगे 2008 में कंपनी का सेल्स यानी रिवेन्यू कितना था, 2020 में कितना था। सो लॉट टू नो इन दिस वीडियो, आगे हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 1942 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब इंडिया में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई, तो सारी विदेशी कंपनियां इंडिया से काम करने के लिए बाहर जाने लगी। तो ऐसे टाइम पे इंडिया में कोई भी पेंट कंपनी नहीं था, वहां से इसकी स्टार्टिंग हुई एशियन पेंट की। और स्टार्टिंग के बाद आप देखें तो इंडिया की ये टॉप कंपनी बन चुकी है। अगर हम बात करें, इसने अपने बिजनेस को इतने वर्षों में विदेश में भी इसका प्रसार किया है। अगर हम करेंटली बात करें तो 15 कंट्रीज में भी ये कंपनी ऑपरेट करती है। कंपनी का मेन बिजनेस है एक्सटीरियर वॉल, इंटीरियर वॉल, पुट्टी, प्राइमर, इन सब सारे चीज़ों का ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है।
इंडिया के साथ साथ एशिया, मिडल ईस्ट, साउथ पैसिफिक, अफ्रीका, इन सारे रीजन में भी ये कंपनी अपना बिजनेस ऑपरेट करती है। पेंट इंडस्ट्री की बात करें तो एशियन पेंट का जो मार्केट शेयर है वो 53% का है। ऑलमोस्ट आधा से भी ज्यादा अगर पेंट इंडस्ट्री की बात करें तो एशियन पेंट के पास में है बिजनेस। और जिस तरीके से करंट में सिचुएशन चल रहा है, अनसर्टेनिटी है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ही ज्यादा लो हो गए हैं, तो एशियन पेंट की जो रॉ मटेरियल है वो बहुत कम हो जाएगी, इससे इसका मार्जिन बढ़ जाएगा, प्रॉफिट होने के ज्यादा चांसेस हैं। और जैसे ही लॉकडाउन के बाद ये सब कुछ नॉर्मल होगा, जो पेंट का काम है घरों में, रिनोवेशन का काम है, वो ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से इस कंपनी को फायदा होता दिख रहा है। और बात करें कंपनी का जो फ्यूचर है, कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट में फिलिप फिशर ने कहा है कि कंपनी का जो फ्यूचर वैल्यू होता है वो उसके प्रेजेंट प्रॉफिट और लॉस पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि उसके रिसर्च और डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है कि कंपनी किस तरीके से नए प्रोडक्ट और नए इनोवेशन कर रही है, कस्टमर को किस तरीके से उसकी ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्ट दे रही है। और बात करें एशियन पेंट की तो रिसर्च एंड इनोवेशन में इंडिया की टॉप कंपनी में से आती है। फॉर्च्यून 500 में देखें तो मोस्ट इंडियन इनोवेटिव कंपनी में एशियन पेंट का नाम आता है। अब इसका एग्जांपल आप देख लीजिए कि जिस तरीके से बैक्टीरिया और कोरोना वायरस का प्रसार पहुंचा है, कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, रॉयल हेल्थ शील्ड। इसमें क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल पेंट है जो 99% बैक्टीरिया को वॉल से हटा देता है, पेंट की सरफेस से हटा देता है। सो आप देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल है कि कंपनी कितनी इनोवेटिव है ऐसे एडवर्स कंडीशन में भी। अगर कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात करें तो आप देखिए लास्ट 10 ईयर्स में कंपनी 25% के हिसाब से ग्रोथ की है, लास्ट 5 ईयर्स में 20% का, 3 ईयर्स में 17% का, और इस साल जब मार्केट पूरा 30% से ज़्यादा निगेटिव में है तो ये 30% देखिए 26.15% पॉजिटिव रिटर्न के साथ स्ट्रॉन्गली इस मार्केट में खड़ा हुआ है। एक इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है, आप देखिए 24 अगस्त 2017 का ये पोस्ट हुआ था, इसमें ये लिखा है कि 17 सालों में कंपनी ने 7000% का रिटर्न। यहाँ पे देखिए रेड बॉक्स में नीचे है कि सिंस 2000 द स्टॉक हैज सोल्ड 6914% टू ट्रेड। अब देखिए 1139 रुपए का था 24 अगस्त 2017 को, अभी जो है 1900 रुपए के करीब है 2020 में। 16 रुपए था जब 2000 जनवरी 3 को कंपनी का शेयर ट्रेड करा था, मात्र 16 रुपए में। अभी देखिए 2017 में यहाँ पे जब आर्टिकल पब्लिश हुआ था तो 1200 रुपए के करीब ट्रेड करा था, बट अभी 2020 में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये 1900 रुपए के करीब है। तो 90 गुना कंपनी ने स्टॉक इन्वेस्टर को रिटर्न दिया है। आप इमेजिन कीजिए अगर 10000 रुपए आपने फिक्स डिपॉजिट किया होता तो कितना होता, 10 सालों में फिक्स डिपॉजिट से पैसा आपका डबल होता है 9 सालों, तो 20,000 होते लास्ट 10 सालों में, बट इसने देखिए कितना ज्यादा रिटर्न दिया। दैट इज व्हाई स्टॉक मार्केट इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट व्हेन इट कम्स टू अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अगर हम लंबे समय के लिए निवेश करें तो स्टॉक मार्केट को कोई भी बीट नहीं करता। हाँ, शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है, अभी जैसे देख लीजिए 1 महीने में 30% गिर गया, लेकिन ये गिरना इसका टेम्परेरी है, साल भर बाद देखेंगे तो ये फिर से मार्केट अपनी उस जगह पे चला जाएगा जहाँ पे वो था। कंपनी का करंट स्टॉक प्राइस 1824 रुपए है, 1 सालों का उच्चतम स्तर 1900 रुपए था और न्यूनतम स्तर देखिए तो 1200 रुपए के पास था। कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें तो मार्केट की लीडिंग कंपनी है, इसका मार्केट कैपिटल है 1,77,648 रुपए। इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो 78 रुपीज है और इस स्टॉक का एशियन पेंट का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 66 है। तो आप देख सकते हैं इंडस्ट्री से भी सस्ते में मिल रहा है। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करते हैं, कंपनी का प्रॉफिट 2004 में 409 रुपए का था और 2014 में देखें तो 1200 हो गया, 3 times, 2018 में देखें तो 2000। कंपनी ने कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाया है प्रॉफिट वाइज। सेल्स की बात करते हैं, कंपनी 2008 में 4000 का सेल्स करती थी, इसका रेवेन्यू 4000 करोड़ के पास था, लेकिन आप देखें फिर ये 2014 में 12000 का हो गया और 2018 में 16000 और 2019 में अभी देखें तो 20000, लास्ट ईयर की एनुअल रिपोर्ट में 20000 करोड़ का इसने रेवेन्यू जनरेट किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, 2008 में 16% का था, फिर अभी कितना है 20%। कंपनी की इफिशियंसी भी अच्छी है, आप देखिए सेम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का होता है कि अगर 100 रुपए लगाया तो कितना हमें प्रॉफिट मिला,
100 में से 20% का प्रॉफिट अभी देखिए, और जिस तरीके से क्रूड ऑयल के प्राइसेस लो हुए हैं तो उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट एशियन पेंट को इस वजह से मिलेगा कि अब इसका जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है कम हो जाएगा, तो जो उसका प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ जाएगा। पीयर ग्रुप इसके सेम इंडस्ट्री के अदर कंपनी को देखते हैं। एशियन पेंट देखिए प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो 64.57 है। मार्केट कैपिटल देखें तो 1,75,000 करोड़ है। अगर दूसरी कंपनी देखें तो बर्जर प्रिंट आता है, इसका करंट मार्केट प्राइस है 519 रुपये। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 76 है, उससे भी महंगा ही है एशियन पेंट से आप देखें, और मार्केट कैपिटल मात्र 50,000 करोड़ का है। फिर नैरो लैक है, इसका मार्केट कैपिटल 20,000 करोड़ है। तो एशियन पेंट का कोई मुकाबला ही नहीं है अगर पेंट की बात करें, आधा से ज़्यादा मार्केट इसने ही कैप्चर किया है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ अ वेरी सेफ एंड रिलायबल स्टॉक जिस पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। कंपनी का बैलेंस शीट आप देखिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है, इसीलिए मैंने इसको स्ट्रांग एंड बोल्ड में किया है। कंपनी के पास कोई कर्ज नहीं है। तो आप देखिए अगर कंपनी का बिजनेस अभी ठप पड़ा है तो उन बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा जिन्होंने कर्ज ले रखा है उनको, क्योंकि इंटरेस्ट तो पे करना ही है, पर जिनके ऊपर कर्ज नहीं है तो उनके ऊपर उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है बिजनेस का, और ना ही उन बिजनेसेस के बंद होने का खतरा है या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने का खतरा है। कंपनी के डिविडेंड की बात करें 2013-14 में अगर देखिए तो 500 करोड़ का डिविडेंड इसने बांटा था, 2014-15 में 500 करोड़ का, 15-16 में देखें तो 719 करोड़ का, 16-17 में बात करें तो 988 करोड़ का इसने डिविडेंड दिया था, 17-18 में 800 करोड़ का। एक बार प्रॉफिट भी देख लेते हैं कितना था, आप देखिए 2017 में 2000 करोड़ का ऑलमोस्ट, 2018 में 2000 करोड़ का प्रॉफिट था, और उसमें से डिविडेंड कितना दे दिया, 250 करोड़ रुपए डिविडेंड दिया। तो ऑलमोस्ट 25% अमाउंट उसने डायरेक्ट इन्वेस्टर को एज अ बोनस दे दिया। अब देखिए 2017-18 में 834 करोड़ का डिविडेंड दिया था, प्रॉफिट देख लेते हैं कितना हुआ था 2017-18 में, 1900 करोड़ का प्रॉफिट था, जिसमें से 1900 करोड़ में आप देखिए तो 800 करोड़ रुपए इसने इन्वेस्टर को एज अ कैश ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट का हिस्सा। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करते हैं, कंपनी के शेयर होल्डिंग्स में देखें तो सबसे ज़्यादा प्रमोटर्स की होल्डिंग है, खुद उन लोगों की कंपनी में हिस्सा सबसे ज़्यादा है जिन्होंने कंपनी बनाया है या मैनेजमेंट के लोग हैं, 52% है। इससे इन्वेस्टर का भी कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता है, क्योंकि अगर स्टॉक के प्राइस गिरते हैं तो सबसे ज़्यादा फर्क किसको पड़ेगा, प्रमोटर्स को, सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी उनकी है। सो इस वजह से भी ये और भी ज़्यादा सेफ और रिलायबल हो जाता है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखें तो 4.96 है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग है 17%। अदर इंस्टीट्यूशनल जैसे कि इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं, बैंक्स होते हैं, तो उनकी भी शेयर होल्डिंग 5.32% है। पब्लिक की शेयर होल्डिंग आम निवेशकों की, हम और आप जैसे रिटेल, 20% की हिस्सेदारी है। तो हर लिहाज से चाहे आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखें, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें, चाहे पास्ट परफॉर्मेंस देखें, इन तीनों बेसिस पे एक तरीके से एक ऐसा स्टॉक है जिस पे कि आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं और आप नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए आप बेहिचक इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।